ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी एक मिशन पर हैं, एक ऐसे मिशन पर जहां पर वो ऐसे टॉपिक्स पर फिल्म बनाना चाहते हैं जिनके बारे में शायद ही कोई लोग चर्चा करते हैं। पहले द ताशकंद फाइल्स, फिर कश्मीर फाइल्स और अब द वैक्सीन वॉर। लेकिन इस बार भी कश्मीर फाइल्स की तरह ही कई लोगों को ये फिल्म डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि द वैक्सीन वॉर एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोपोगेंडा फिल्म है। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द वीरेन मिश्रा शो। आज के इस वीडियो में फिल्म द वैक्सीन वॉर से जुड़े कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में आपसे बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म करने के लिए ये फिल्म इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है। बने रहिए मेरे साथ, जय हिंद। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मूवी द वैक्सीन वॉर के पीछे बहुत ही हैवी रिसर्च की गई है। शुरू से लेके एंड तक इस मूवी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं देखने मिला जहां ऐसा लगे कि स्टोरी को बेवजह खींचा जा रहा हो। 2019 का एंड होते होते कोविड चाइना में शुरू हो चुका था और जनवरी 2020 में कोविड का पहला केस भारत में रिपोर्ट हुआ था। अब इसके बाद से लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आई और उसके बाद हम सब जानते हैं किस तरह लॉकडाउन लगा, फिर फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और फिर डेल्टा वेव वगैरह आए और भारत में किस तरह हमने वो दौर भी देखा जब सबकी उम्मीदें टूट रही थी और सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में हर तरफ हमें लाशों के फोटोज, अंतिम संस्कार के वीडियोज और फोटोज बार बार देखने मिल रहे थे। आप लोग भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो इन्हीं मासूम लोगों के डेड बॉडीज और फ्यूनरल के वीडियोज और फोटोज को अब्रॉड कंट्रीज में बेचकर खूब पैसे छाप रहे थे। और फिर आखिर में जब हमारे देश की अपनी वैक्सीन बनकर तैयार हो गई तब भी हमने देखा कि एक पूरा नेक्सस एक्टिवेट हो गया था जिसने हमारे देश के वैक्सीन के खिलाफ ही टारगेटेड नेगेटिव पीआर करना शुरू कर दिया और उसके बाद हमारे ही देश के वैक्सीन के खिलाफ और हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट जिन लोगों ने मेहनत करके वैक्सीन बनाई उन पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। काफी सारे सोशल मीडिया पर फैक्ट चेकर्स पैदा हो गए थे जो वैक्सीन के असर के ऊपर, वैक्सीन के प्रभाव के ऊपर भी सवाल उठाने लगे थे। ये फिल्म एक्सपोज करती है विदेशी टूल किट्स को और ये फिल्म एक्सपोज करती है उन लोगों को जो भारत में रहकर चंद रुपयों की लालच में भारत के खिलाफ ही नैरेटिव सेट करने लगते हैं। इस फिल्म में किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, किसी भी जर्नलिस्ट या किसी भी फैक्ट चेकर का नाम खुलकर नहीं लिया गया। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स से थोड़े भी अपडेटेड रहते हैं या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो इस फिल्म में किसकी चर्चा की जा रही है, किसे एक्सपोज किया जा रहा है वो आप बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे। ये फिल्म उन्हीं डॉक्टर्स, साइंटिस्ट के स्ट्रगल के बारे में बात करती है। ये फिल्म उन्हीं स्ट्रगल्स को पर्दे पर लेकर आती है जिनके बारे में मैं, आप या भारत के 99% लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अगर मैं फिल्म के स्टार कास्ट की बात करूं तो मानना पड़ेगा कि विवेक अग्निहोत्री की चॉइस बहुत ही अच्छी है। फिल्म के एक एक एक्टर ने अपने कैरेक्टर के साथ में पूरा पूरा जस्टिस किया है। अब भाई जिस फिल्म में नाना पाटेकर और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स हो उस फिल्म का तो क्या ही कहने। अब अगर हम ये देखें कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई तो उसकी वजह है कि इस बार प्रमोशन में या यू कहें फिल्म के एडवर्टाइजमेंट में काफी कमी रह गई थी। कश्मीर फाइल्स के वक्त वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत हुई थी और वो पब्लिसिटी इस बार नहीं देखने को मिल रही। सच कहूं तो हर फिल्म अपने आप में एक अलग स्टोरी, एक अलग ऑडियंस के सामने लेकर आती है। कुछ करोड़ों में कमा जाती हैं और कुछ अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाती, पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो फिल्म बेकार है। कुछ फिल्म्स वाकई में अंडर रेटेड होते हैं और कभी कभी एडवर्टाइजमेंट की कमी की वजह से वो फिल्म भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आप जब शेयर और कमेंट करते हैं तो YouTube का एल्गोरिथम मेरे वीडियोस को और भी लोगों तक लेकर जाता है। बने रहिए मेरे साथ, नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा, मिलूंगा आपसे अगले किसी और वीडियो में। जय हिंद।